रमजान। क्या बात है चचा। इसलिए कि आज जुमा का दिन है जी चचा, और अभी आधा घंटा समय है। हाँ, थोड़ा हम कमरे में अपने आराम करते हैं। अगर कोई जी गरीब यतीम आता है तो उसे मान सम्मान के साथ हमारे पास जाना। बात अच्छा है चचा। आराम कर रहा हूँ, तुम यहाँ देखते रहना। ठीक है, ठीक है चचा, जैसे आपकी आज्ञा हो। भगवान, अब मात्र एक दिन का टाइम बचा है, मात्र 12 घंटे बचे हैं। मैं रामनगर आ गया हूं। ऐसा लगता है कि गफ्फार खान का मकान उस सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके मकान के ऊपर चांद और तारे बने हुए हैं। मैं तुरंत आगे बढ़कर मुलाकात करूं, नहीं तो उनके नमाज का वक्त हो जाएगा। ऐ मोमिनो, सुनो, तुम्हें मरना जरूर है। ऐ मोमिनो, सुनो, तुम्हें मरना जरूर है। पढ़ते अगर नमाज तो कौले रसूल है। पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। अपनों की एक जल्दी सजा आप पाओगे। बेनमाजी सीधे जहन्नम को जाओगे। तौबा करो, खुदा से नमाज पढ़ा करो। मस्जिदों में नहा तज किया करो, नहा तज किया करो। मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है। ऐसा लगता है कि मैं गफ्फार खान के घर के सामने आ गया हूं। अब मैं यहीं पर खड़ा होकर आवाज लगाता हूं, कोई है? कोई है? कौन है? नमस्ते भाई। नमस्कार, नमस्कार, क्या बात है? क्या गफ्फार खान का मकान यही है? हाँ हाँ, गफ्फार खान का मकान यही है। गफ्फार खान घर पर है? हाँ, घर पर है। भैया, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ा उपकार होगा, मैं बहुत मुसीबत का मारा हूं। गफ्फार खान से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। भैया घबराइए नहीं, हमारे चचा बहुत ही दयालु हैं। आप फिक्र मत करिए, जिस काम के लिए आए हो वो हमारे चचा अवश्य करेंगे। लेकिन एक बात है भैया। कौन सी बात है? कि बगैर चचा के हुक्म के मैं आपको अंदर नहीं ले सकता। भैया देर मत करिए, चचा जी से इजाजत लेकर मुझे फौरन उनसे मिलवा दीजिए। बहुत अच्छा है, आप इसी जगह पर एक मिनट ठहरे, मैं आ रहा हूं। चचा, आपके दरवाजे पर कोई गरीब आया है, आपसे मिलना चाहता है। रमजान बेटा,
कौन गरीब यतीम आया है जो मुझसे मिलना चाहता है? चचा, नाम तो आपने नहीं बताया है, लेकिन ये सामने खड़ा है, इसे नाम इसका पूछ लीजिएगा। चचा जान, मेरी मदद करिए चचा जान। क्या बात है? खुदा आबाद रखे बेटा, क्या बात है जो आज? चचा जान, बड़ी दर्द भरी कहानी है चचा जान। मैं इसी रामनगर का रहने वाला हूं चचा जान। मेरी माँ का नाम शांति है, मेरी एक बहन है जिसका नाम सरला है। हाँ बेटा, जब मेरे पिताजी बहुत तेज बीमार थे तो मेरी माँ जमींदार बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाई थी। ठीक। आज वो कर्ज मूर स्वात सूत ब्याज जोड़कर 5,000 हो गया है। उसी कर्ज के अवज में जमींदार मेरी बहन सरला को उठा ले गया चचा जान। मत रो बेटा, तुम्हारी बहन सरला को कर्ज के एवज में उठा ले गया। तुम्हारी बात सुनकर उस ठाकुर कमीने के ऊपर मुझे क्रोध आ गया है। और कितने रुपए खातिर बेटा तुझको है तरीका? कितने रुपए के खातिर बेटा तुझको है तरीका? और ले जा कर्ज चुकता रकम करी नहीं मुझे इनका। चचा जान, चचा जान, मुझे 5,000 रुपए चाहिए चचा जान। जब मैं कमाने लगूंगा आपका पैसा आपको वापस कर जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन को ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर कर्ज नहीं देगा तो तेरी बहन मेरी जिंदगी भर के लिए रखेल बन जाएगी। चचा जान, वक्त नहीं है, बहुत जल्दी कीजिए। बेटा रो मत, जितनी मदद मुझसे मांगोगे उतनी मदद तुम्हें दूंगा। जाओ, अगर पैसे तक ओ ठाकुर कमीना तुम्हारी बहन को ले गया है तो लो 5,000 रुपए मैं देता हूं तुझे, और जाओ अपनी बहन सरला को तुरंत छुड़ा कर लाओ। जाओ। नहीं बेटा, आप चचा जान इंसान नहीं, आप देवता हैं चचा जान। हमने आपका सिर्फ नाम सुना था, लेकिन चचा जान आज आपसे मुलाकात होने के बाद कुछ नहीं, सब ऊपर वाले का करम है। आपने बचा लिया चचा जान, आज मुझे नई जिंदगी दी है चचा जान, नई जिंदगी। नहीं बेटा, सब ऊपर वाले करम है, हमारे दरवाजे पर आप आए, मुझसे मदद मांगा, मैंने आपकी मदद किया। बैठिए, मेरी बात सुनिए। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की
जिंदगी देने वालों। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार। चचा जान, मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ आज का दिन बचा है मेरी माँ मेरी बहन के लिए। पागलों भात उसी रामनगर में घूमती होगी। चचा जान, आदाब चचा जान। आदाब। बेटा रमजान, यही कहा गया है, गरीबी दे लेकिन बदनसीबी न देना। शिक्षा, इंसान आकर दरवाजे पर हमारे रोया और उसकी बहन सरला को ठाकुर जमींदार ने उठा ले गया। हमारा यही कर्तव्य है कि हम गरीबों की मदद करें। उस जमाने में मैंने क्या किया, क्या गुनाह किया कि आज मुझे सब कुछ अल्लाह ने दिया है लेकिन एक औलाद नहीं दिया। अगर कोई रोता हुआ हमारे पास आता है तो हंसता हुआ जाएगा। सच्चा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज ये आपकी दौलत किसी गरीब के काम में आई। चचा ठीक है रमजान, कोई भी गरीब यातीम आता है हमारे दरवाजे पर तो उसे मान सम्मान के साथ इज्जत के साथ जरूर लाना। बहुत अच्छा है चचा, जैसे आपका हुक्म हो। आओ या भगवान या मालिक, आज मेरी बेटी सरला क्या सोचती होगी कि मेरी माँ मेरा भैया सोनू सब मुझे भूल गए हैं। नहीं बेटी, मैं भूल नहीं गई हूं। आज तेरी खातिर, तुझे छुड़ाने खातिर कई दरवाजे पर गई लेकिन मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। खाली हाथ वापस चली आई हूं। मेरा बेटा सोनू पैसे के लिए गया है, ना जाने भगवान उसकी किसी ने सुनी कि नहीं सुनी। अगर वो आएगा तो ज़रूर कुछ पैसा लेकर आएगा और उसी पैसे से अपनी बेटी को हम छुड़ा कर अपने पास ले आएंगे। ना जाने कहाँ है, ना जाने कब आएगा मेरा बेटा सोनू, कब आएगा। माँ माँ प्रणाम माँ। बेटा तू जहां गया था क्या हुआ? मेरी बातों को ध्यान से सुन माँ। कहो बेटा कहो। ना आंसू बहा कर करो दिल दुखारी, ना आंसू बहा कर करो दिल दुखारी। अरे छुड़ा लाओ मैया ये बहना दुलारी, ये मैया हमारी। और चलने की मैया करो अब तैयारी।
मेरा बेटा गफ्फार सौदागर चाचा जान के यहां से 5,000 लेकर आया है। मां, गफ्फार चाचा से जब मैंने अपनी आप बीती बताई तो गफ्फार चाचा बड़े क्रोध में जमींदार को गालियां देने लगे। उसके बाद कहने लगे, बेटा तुझे कितने रुपए की जरूरत है, ले जा बेटा अपने घर की अपने बहन की मर्यादा बचा ले, चल माँ देरी मत कर मत कर। माँ बेटा सोनू मेरी बात सुन। क्यों नहीं माँ? बहुत खुश हुई मैं तेरी बात सुनकर, बहुत खुश हुई मैं तेरी बात सुनकर, जो लाया रकम तू मुसीबत उठा कर। मैं साथ तेरे नहीं जाओ बेटा रुको एक पल भर, चल बेटा चल। बेटी सरला इंतजार करती होगी। हाँ, देर करने का वक्त नहीं है, आज हफ्ते का आखिरी दिन है, चल माँ चल चल यहां चल बेटे। क्या धर्म हुआ? कहिए बड़े ठाकुर। आज एक हफ्ता बीत गए, क्यों नहीं आज सुनवा? आज तक अपना कर्ज लेकर नहीं आया बड़े ठाकुर। आज चिरकुट की औकात ही क्या है जो इतनी बड़ी रकम लेकर हमारे पास वो अपना कर्ज देने के लिए आ जाए? मुझे तो लगता है कि वो कभी नहीं आएगा। ठीक कहते हो धर्मू, वो कर्ज कहां से साला चुकाएगा? आज के बाद अगर कर्ज लेकर नहीं आया साला तो उसकी बहन मेरी रखेल बन जाएगी। क्यों नहीं? और पूरे रामनगर में मेरे नाम की दहशत फैल जाएगी। बैठो बड़े ठाकुर, हम उसके आने का इंतजार करें। बाबू साहब, आपका मैं कर्ज देने आया हूं, आपका कर्ज देने आया हूं। बाबू साहब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। पूरे 5,000 हैं, गिनिए इसे संभाल। बहना सरला है कहां बतलाओ तत्काल। लीजिए ठाकुर साहब, पूरे 5,000 हैं और मेरी बहन सरला कहां है उसे मेरे हवाले करिए। ऐ देख पैसे कितने हैं। इतने जज्बात में बात करता है आ? अभी गिनता हूं हम पैसा तुम्हारा। जज्बात में बात करता है, पैसे के लिए किसी की मर्यादा, किसी बहन की असमत लूटना चाहता है, दरिंदा है तू। ये तुम नहीं जानते कि कहां पर इस वक्त खड़े हो तुम। तमीज से बात करना ठीक। मुझसे तुमसे फालतू बात करने की समय ही नहीं है। मेरी अंगुलिया बहन कहां है? अगर अंगुली उठा के बात किया तो हम तुम्हारी वहीं से अंगुली कटवा देंगे। अभी गिनता हूं रकम, हिसाब भी देख लो कितना हुआ है धर्मू। ये रुपए पूरे 5,000 है और इनका रजिस्टर में देख ले
उसमें पैसा कितना बड़ा हुआ? 5,000 बताया गया है। शांत रहिए, खड़े रहिए, रजिस्टर तुम्हारे हाथ में नहीं है, रजिस्टर हमारे धर्मो भैया के हाथ में है, शांत रहो, आओ बताओ। मैं सबसे पहले हिसाब तो देख लूं, उसके बाद तुम रुपया लाए हो, रुपया हम जमा कर लेंगे। यदि तुम्हारा खाता खत्म हो जाता है तो अपनी बहन सरला को आराम से ले जा सकते हो। धर्मू भैया, क्या बात? जरा ध्यान से इनका हिसाब करो, बाकी कितना है या पूरा हो गया है, देखो। तो ठीक कह रहा है। सुनो, आज तुम्हारा पूरा कर्ज मिला के 5,000 रुपए तो बन रहे, लेकिन शेष 10 दिन का पैसा जो ब्याज का बनता है, और ब्याज के पैसे कुल मिलाकर 500 रुपए और दे दो। अगर 500 रुपए और दे देते हो तो तुम्हारी रकम पूरी यहां पर जमा हो जाएगी, अपनी बहन को ले जा सकते हो। माँ देख, माँ कितना कमीना है ये, अपने ही रामनगर का ये भी शूद्र है, कितना कमीना है माँ देख, कितना माँ कमीना नहीं हो। ये रजिस्टर जो कुछ भी बता रहा है इसका हिसाब मैं जोड़कर सिर्फ बता रहा हूं। अरे धर्मुमा, तोरे मुहिमत की रवा पर है रे। ठीक कहती है, इनके मुहिमत की रवा पर है तो हम गदालत खोद के निकाल ले। रानी छुए राजा भा, 5,000 के 500 और। 5,000 रुपए तो तुम्हारे बने, और 5,000 की रकम तुमने दे भी दिया, लेकिन 10 दिन का ब्याज कौन देगा? लेकिन 10 दिन का ब्याज जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा था कि तुझे 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में अगर 5,000 ला कर दे देगा तो अपनी बहन को यहां से ले जाएगा। उस दिन इस रजिस्टर को हमने देखा नहीं, तो फिर कैसा है 10 दिन का ब्याज जमींदार? अरे ठाकुर, आज दुनिया की कोई ताकत मुझे अपनी बहन से ले जाने से रोक नहीं सकती है। माँ, हाँ बेटा, तू यहीं पर खड़ी हो जा, मैं जमींदार की हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर आता हूं, यहीं पर तू रुक। माँ रुक, कान खोल कर सुन ले, सर को लेकर आकर तू जल्दी आ जा। जबरदस्ती किया तो कसम पैदा करने वाले की, आया तो 2 है और यहां से 2 ही जाएगा। तेरी बहन सरला तेरे साथ जरूर जाएगी, लेकिन शांतिया की लाश लेकर जाएगा। नहीं सब नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। शांति ठाकुर, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देता हूं, ऐसे मरने के लिए भगवान तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया? ए सलवा, ये तेरी मां की लाश पड़ी है और अपनी मां की लाश यहां से लेके साले चला जा, नहीं तो तेरी मां की लाश ये बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह के मछली पालन में फेंकवा दिया जाएगा। मत करिए। और जो हवेली पर
खून के छींटे लगे हैं ना, इसको साले साफ करके जा और अपनी माँ की लाश ले ले। अपनी माँ की लाश उठा के लेकर यहाँ से चला जा साले। या भगवान, तेरा कैसा न्याय है, तेरा कैसा न्याय है, कैसा न्याय है। मेरी तकदीर में तूने क्या लिख दिया है भगवान, क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया है। बड़ी तमन्ना थी, बड़ी ख्वाहिश थी दिल में, लेकिन माँ का आज मेरे सर से माँ का साया भी उठ गया। उसके आंचल के नीचे हमेशा मैं जिया करता था भगवान, जिया करता था। बहन सरला जमींदार का नौकर कह के गया है, 5 मिनट में अपनी माँ की लाश को लेकर जा, नहीं तो इसे मैं अपने मछली पालन में डालूंगा। मेरी तकदीर में क्या लिखा है भगवान। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, तकदीर का फसाना तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, तकदीर का फसाना। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताए, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। कैसे मैं अपनी माँ की लाश को ले जाऊं। भैया सोनू, आपका रोना धोना बेकार है भैया, क्या करोगे अब ये रामनगर में बहुत बड़ा हरकू भैया अत्याचार हो रहा है भैया। ये माँ की लाश ले चलिए, गंगा माँ की गोद में दफनाइए भैया। मेरी माँ की लाश को ले चलो मेरे भाई, ले चलो ले चलो। चलिए भैया उठाइए माँ की लाश। या भगवान, आज मैं इतना बड़ा बदनसीब हूँ कि मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे पास कफन भी देने के लिए पैसा नहीं है। या भगवान, क्या करूँ, क्या करूँ। चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही। चल अकेला,